तो राम राम सही भाइयों को, क्या हाल है भाइयों आप सबके। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज हमारे सामने है स्कॉर्पियो S5 जो कि इसका बेस वेरिएंट है। ऑन रोड इसका गाड़ी की हम प्राइसिंग की बात करें जो कि मेरिट में है। इस गाड़ी का प्राइस आपको 14,95,000 के आसपास ये गाड़ी का S5 स्कॉर्पियो बेस मॉडल डीजल का प्राइस पड़ता है, जो कि अब मेरिट में मिलता है लगभग 15 लाख के आसपास ही है। तो इसकी कीज़ की बात करें तो आपको 2 की मिलने वाली है। इसमें आपको फ़िलिप की का ऑप्शन ही मिलेगा। इसके हायर वाले वेरिएंट्स पे भी आपको फ़िलिप की का ही ऑप्शन मिलता है। वारंटी की बात करूँ तो इस गाड़ी की वारंटी आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जिसे आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। बाकी मैं ये गाड़ी आपको डीजल में मिलती है। 4 वेरिएंट इस गाड़ी में आपको मिलते हैं, S5, S7, S9 और S11। आज हमारे सामने खड़ा है S5 जो कि इसका बेस वेरिएंट है डीजल में। तो स्टॉक गाड़ी है, कुछ भी इसमें एसेसरीज नहीं लगी हुई है, बिल्कुल आपको स्टॉक गाड़ी मिलने वाली है। जो इसके मोस्ट डिमांडिंग कलर है वो ब्लैक और वाइट भी है, बाकी इसमें सिल्वर कलर का भी ऑप्शन मिलता है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, नई स्कॉर्पियो आपको 2022 में लॉन्च होने वाली है। बात करें इस गाड़ी के फ्रंट लुक्स की तो आप देख सकते हैं इसमें आपको काफ़ी सॉलिड और बोल्ड लुक इस गाड़ी के लगते हैं। स्कॉर्पियो का जो नाम है ना, वो इस गाड़ी के लुक की वजह से ही फेमस है। प्रोजेक्टर आपको इसमें हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे, ब्लैक स्मोकी आपको हेडलाइट्स मिलने वाली है। DRLs का भी ऑप्शन इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता है, नीचे आपको फोग लैंप इस वाले मॉडल में नहीं मिलता। बीच की ग्रिल की बात करूँ तो महिंद्रा की बैजिंग के साथ आपको ऑल ब्लैक कलर की ग्रिल मिलेगी। इसके टॉप मॉडल में आपको क्रोम की ग्रिल मिलती है और नीचे स्कॉफ प्लेट्स भी मिलती है, लेकिन इस वाले वेरिएंट में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। साइड प्रोफाइलिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे सिंपल रिम्स मिलने वाले हैं, स्टील रिम्स जो कि 17 इंचेस के होने वाले हैं दोस्तों। बाकी आपको जो इसके आउटसाइड मिरर हैं वो भी ब्लैक कलर के ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर का ऑप्शन दिया जाएगा ब्लैक कलर के। इसमें आपको डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं। टॉप वेरिएंट में इसमें आपको बॉडी कलर मिलता है, लेकिन इसमें आपको सिंपल मिलने वाले हैं। नीचे आपको पैर रखने की जगह दी जाएगी। और इस वाले वेरिएंट में आपको रूफ रेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा दोस्तों, इसके टॉप एंड वाले वेरिएंट में आता है। रियर प्रोफाइलिंग की बात करें तो रियर में सबसे बड़ा जो चेंज आपको मिलेगा वो आपको डिफ्यूज़र इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा, यानी कि स्पॉइलर इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। S5 की यहाँ बैजिंग, स्कॉर्पियो की बैजिंग, लाइट्स इसकी टॉप मॉडल वाली सेम ही है जो आती हैं। बाकी इसमें आपको रियर कैमरा नहीं मिलने वाला है, सिंपल आपको ये बूट खोलने वाला बटन मिलने वाला है दोस्तों। बाकी कोई भी स्पॉइलर नहीं मिलेगा, बिना स्पॉइलर की गाड़ी अजीब सी लगती है आपको पता ही है। पीछे आपको सेंसर्स मिलेंगे लेकिन कैमरे का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। सीट्स मैं बात करूँ, ये गाड़ी आपको 7 सीटर और 9 सीटर दोनों की ऑप्शन मिलती है। ये वाला वेरिएंट आपको 7 सीटर का ऑप्शन है, जिसकी सीट्स आपको आमने सामने मिलती हैं। इसमें आपको एक कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि वो 9 सीटर के ऑप्शन में मिलता है। यहाँ पे आपको BS6 का फ्यूल डलेगा और यहाँ पे आपको गाड़ी का डीजल डलने वाला है। बाकी स्पेस मैं बताऊँ आपको तो बढ़िया स्पेस है स्कॉर्पियो गाड़ी में, स्पेस की कोई कमी नहीं है। आप ग्रैब हैंडल भी मिलेंगे आपको अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो। भाइयों ऐसा कुछ आपको स्कॉर्पियो मिलती है। अंदर से आपको बात करूँ तो पीछे वाली सीट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं डोर यहाँ पे आपको वही पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलेंगे, और यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं, और यहाँ पे एक छोटी सी आप बोतल रख सकते हैं। बाकी सीट्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी ऊँची गाड़ी है, चढ़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। बाकी दोस्तों अंदर की स्पेस मैं बताऊँ, 2 आपको हेडरेस्ट मिलने वाले हैं, बीच का आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। 2 आपको लाइट मिलेंगी पीछे और आगे। ग्रैब हैंडल्स इसमें फिक्स वाले होने वाले हैं। बाकी मैं बैठ के आपको एक बार बता दूं गाड़ी में स्पेस कैसी है। तो स्पेस यहाँ पर देख सकते हैं आप, 3 बंदे तो इस गाड़ी में आराम से बैठ जाएंगे क्योंकि गाड़ी काफ़ी चौड़ी है। लेग रूम भी ठीक ठाक है इस गाड़ी में। लेग रूम की दोस्तों सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है। पीछे आपको AC वेंट्स और यहाँ पे आपको फ़ोन रखने की जगह भी दी गई है, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। बाकी हेडरूम आपको बढ़िया मिलने वाला है, हेडरूम में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको लेग रूम थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ पीछे आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगी। बाकी दोस्तों ऐसा कुछ आपको पीछे से गाड़ी दिखती है। बाकी अगर मैं आपके फ्रंट सीट्स की बात करूँ तो फ्रंट के डोर देख सकते हैं आप, वही पावर विंडोज से कंट्रोल मिलेंगे चारों। मैनुअल आपको एडजस्टेबल ओवरवे मिलने वाला है। बाकी नीचे आप अपनी छोटी मोटी जो बॉटल्स रख सकते हैं। स्पीकर इस गाड़ी में मिलेंगे, लेकिन म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी में नहीं दिया गया है, जो कि सबसे बड़ा इस गाड़ी में ड्रॉबैक है। बेस वेरिएंट में क्या ही आपको उम्मीद कर सकते हैं। बाकी बैठ के अगर मैं बताऊँ अंदर से तो काफ़ी स्पेसिस गाड़ी है, काफ़ी चौड़ी गाड़ी है। स्कॉर्पियो आपने इससे पहले कई बार देख रखी है, इंटीरियर भी कई बार देख रखा है। स्टार्ट कर लेते हैं हम एक बार गाड़ी को। तो स्टार्ट की बात करूँ तो इंजन की साउंड देखो दोस्तों आती है, क्योंकि 2200 cc का इंजन है तो इंजन तो साउंड करेगा ही करेगा। बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, ना स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, ना ही आपको इसका म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। बिल्कुल स्टॉक गाड़ी मिलने वाली है, जो भी कुछ आप कराएंगे वो बाहर से ही कराना पड़ेगा आपको। बाकी इसका स्टेयरिंग पे रैप भी नहीं मिलने वाला है। बाकी पर्सनली मैं बताऊं तो स्कॉर्पियो का कैबिन मुझे काफ़ी बड़ा लगता है, क्योंकि ये इतना पुराना होने के बावजूद भी दोस्तों आज भी ये गाड़ी उतनी ही बिक रही है जितनी
ये मान लो कि क्रेटा, सेल्टोस, हैरियर कितनी गाड़ियाँ आ गई, लेकिन स्कॉर्पियो का अपना ही एक रुतबा है, अपना ही एक दबदबा है। हॉर्न भी देख सकते हैं आप, अच्छा खासा इस गाड़ी का हॉर्न है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, इसके जो बेस वेरिएंट में आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है उसकी लाइट्स होती हैं येलो कलर की, जिसके टॉप एंड वाले वेरिएंट की लाइट्स होती हैं डार्क ब्लू कलर की, तो ये आपको एक फ़र्क है। बाकी यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल मिलेंगे आपको, फोग लैंप इस गाड़ी में नहीं मिलता है। और नीचे आपको यहाँ पे लाइट्स एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका बाहर का जो फ्यूल है वो ओपन करने की आपको यहाँ पे जगह दे रखी है, और यहाँ पे एक डमी बटन मिलता है। बाकी राइट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैनुअल आपको ओआरवी में मिलने वाले हैं, कोई बटन से आप एडजस्ट नहीं कर सकते। राइट में आपको दोस्तों बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है, ना ही म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, ना ही ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल मिलेगा, बिल्कुल सिंपल आपको मिलने वाला है एसी, हीटर और इसका हैजार्ड लाइट का स्विच। क्रोम डोर एंड आप जो क्रोम की जो यहाँ पे साइड में गार्निश होती है वो भी आपको नहीं मिलेगी एसी वेंट्स के चारों तरफ। गियर पे वाइब्रेशंस काफ़ी हैं, देखो तो गियर पे आपको वाइब्रेशन दिखेंगी। 6 फीट का गियर बॉक्स मिलने वाला है, बीच में आपको स्टोरेज स्पेस भी दे रही है दोस्तों। बाकी यहाँ पे अच्छा खासा आपको ठीक ठाक स्पेस का ग्लव बॉक्स मिलेगा, कूल्ड इसमें आपको नहीं मिलने वाला है, बेस वेरिएंट में आप क्या ही उम्मीद करेंगे। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सीट्स काफ़ी चौड़ी हैं, कम्फर्टेबल सीट्स हैं, मतलब ज़्यादा लॉन्ग जर्नीज के लिए तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ठीक ठाक स्पेस मिलती है आपको। बाकी मैनुअल आपको ओआरवीएम एडजस्ट करना पड़ेगा। वैनिटी मिरर आपको को ड्राइवर साइड मिलेगा, बीच में आपको लाइट्स का भी ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, ना ही इस गाड़ी में आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। बाकी इंजन साउंड तो देखो दोस्तों आएगी इस गाड़ी में, और एक चीज़ और, अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हैं तो आपको लग्जरी फील तो नहीं होने वाली, ये समझ लो ये गाड़ी टोरे के लिए है। देखो गाड़ी मैंने स्टार्ट करी तो कितना ज़्यादा गियर वाइब्रेट करा, तो ये चीज़ तो आप देख सकते हैं, वाइब्रेशन काफ़ी है इस गाड़ी में। तो यही एक स्कॉर्पियो को महिंद्रा को ज़रूरत है, इंजन को और ज़्यादा रिफाइंड बनाए। बाकी सेफ्टी तो आपको पता ही है, इस गाड़ी की सेफ्टी तो इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी ये गाड़ी दोस्तों इतनी ही बिकती है। S5 वेरिएंट जो कि इसका सबसे बेस वेरिएंट है और सबसे वैल्यू फॉर मनी है, उस गाड़ी का बेस वेरिएंट का प्राइस 15 लाख के आसपास दोस्तों ये पड़ जाता है। बाकी इंजन्स की बात करें तो इसमें आपको वही 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल इंजन मिलता है, जो कि 140 bhp के आसपास पावर और 320 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इंजन तो काफ़ी पावरफुल है, एवरेज भी इस गाड़ी की ठीक ठाक आपको 14-15 आपको सिटी में और 17-18 के आसपास हाईवे पे गाड़ी आराम से निकाल देती है। बाकी दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये वाला इंजन इतना ज़्यादा शानदार है, मतलब जो पुरानी स्कॉर्पियो में भी यही इंजन चलता आ रहा था, बस थोड़ी सी ट्यूनिंग करी है। बाकी सबसे ज़्यादा ये समझ लो कामयाब इंजन महिंद्रा का यही है। बाकी यही था दोस्तों आज की हमारी वीडियो में, महिंद्रा स्कॉर्पियो बेस वेरिएंट S5 व्हाइट कलर में डीजल में। तो कैसी लगी आपको वीडियो और गाड़ी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर जाना, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर ऐसे ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।